राशन कार्ड की एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कब आपको मैक्सिमम आदमी का राशन कार्ड यहाँ पे रद्द किया जा रहा है। तो किस कारण से आपका रद्द हो रहा है, कौन कौन से आदमी को रद्द किया जाएगा, या रद्द होने का ये क्या कारण है, तो रद्द हो जाएगा तो किसके लिए फायदा होगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच निर्णय होने पर अगर आप जो कि फर्जी तरीका से आपने जो कि राशन कार्ड बनवा रखा है, या गलत तरीका से आप राशन कार्ड ले रहे हैं, या आपको राशन ले रहे हैं, तो उन पर जो कि FIR के साथ आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिसके पास आपको पक्का मकान होगा, चरपहिया वाहन होगा, या तीन पहिया वाहन होगा, या 2.5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास जमीन भी होगा, तो उनके लिए आपको ये निर्णय दिया गया है कि 20 तक अपना जो कि राशन कार्ड को अपना ब्लॉक और या अनुमंडल में सरेंडर करें। यानी नॉर्मल तरीका से बात करें तो अपने ब्लॉक में जाकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें, जमा करें कि हम जो कि अब इसके लायक नहीं हैं, इस प्रकार जो कि हमको राशन कार्ड को रद्द किया जाए। लेकिन यहाँ पे रद्द कराना तो दूर की बात है, मैक्सिमम आदमी जिसके पास दोपहिया वाहन है, पक्का का मकान भी है, सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है, वो आदमी अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और कर भी रहा है। अगर सही तरीका से आप बात करें तो पूरे बिहार में 10-12% आदमी का ही राशन कार्ड बनना चाहिए, तो यहाँ पे उन लोगों का मैक्सिमम का नहीं बना है, और जिसका सब कुछ ठीक है उसका राशन कार्ड यहाँ पे बन गया है, और अभी भी ऑनलाइन के माध्यम से भी आपने अप्लाई किया होगा तभी आपको अच्छों का ही इसमें राशन कार्ड बनेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो सब लोग करेगा और ब्लॉक या अनुमंडल में अपना जो कि पैसा पहुंचाएगा और अपना राशन कार्ड बनवा लेगा, और नॉर्मल आदमी का जिसका जरूरत है उसको राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसी के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको यूनिट के अनुसार जो कि है केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आवंटन हो चुका है, यानी समझ लीजिए तो 1-2% है ऐसा जिसको जरूरत है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल तौर का बात समझें तो पूरे बिहार में जैसे कि 300 आदमी का राशन कार्ड बनना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कि है आपको 295 के आसपास जो कि राशन कार्ड बन चुका है। तो इसी के चलते सरकार नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है, हर एक जिले से नोटिस आ रहा है, या आपको कैबिनेट से भी नोटिस आ रहा है कि जिसका राशन कार्ड है उस गलत तरीका से लिया है तो उसको रद्द किया जाए। तो यहाँ पे 20 तारीख आपको रखा गया है, ये हर एक जो कि जिले का अलग अलग डेट हो सकता है, अपना पता करके अपना राशन कार्ड को सिलेंडर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राशन कार्ड कोई रद्द कराने नहीं जाएगा, यहाँ पे बनवाने के चक्कर में है। तो जैसे यहाँ पे जिसका राशन कार्ड रद्द होगा या सरकार अपने अनुसार निर्णय करके उसको जांच पड़ताल करके काटेगी तभी आपको नए आदमी का राशन कार्ड यहाँ पे इशू किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले से पूरे बिहार में जितना औकात है आपको राशन कार्डधारी का ऑलरेडी यहाँ पे पूरा चुका है, तो जब यहाँ पे काटा जाएगा तभी आपको जोड़ा जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड का लिस्ट यहाँ पे नहीं काटा जाएगा तो आवेदन करते रह जाइएगा ऑनलाइन, आपका राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको 10 बिंदुओं पर इसका निर्णय लिया जाएगा। जैसे 10 बिंदुओं का बात करें तो आपको एकाध दो का, जैसे पक्का का मकान, चरपहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, 2.5 एकड़ से भूमि, यहाँ पे जैसे 4 ग्राफ का आपको मैंने बता दिया, इसी प्रकार और भी आपको 6 ग्राफ होगा जिसके चलते आपको पता चलेगा कि इनका जो कि राशन कार्ड नहीं बनेगा। अगर वो गलती से भी राशन कार्ड अपना बनवा ली है तो गैर कानूनी है, जिसको अभियान के तौर पर 10 मई से लेकर 20 मई तक आपको सरेंडर कर देना है, जिसमें आपको मासिक आय जो कि है आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कोई आदमी इसमें आपको राशन कार्ड बनवा रहा है। ऑनलाइन से आवेदन अभी भी शुरू है, आप चाहे तो जिसका नहीं बना है वो बनवा सकता है, नाम जिसका जुड़वाना चाहता है वो अपने अनुमंडल में जाकर आवेदन पत्र खौ भर के भी दे सकता है। लेकिन यही अभी फिलहाल आपको नोटिस जारी किया गया है कि आप जिस फर्जी तरीका से आपने राशन कार्ड लिया है तो सिलेंडर जो कि 10 से लेकर 20 तारीख तक अंदर में अपने अनुमंडल में जाकर या ब्लॉक में जाकर सिलेंडर आप दे सकते हैं। अगर अपने आप सिलेंडर नहीं दे जाते हैं तो जाँच के दौरान आप पकड़े जाएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई FIR भी आपको किया जाएगा। इस नोटिस में सारा बात आपको यही इसमें बताया गया है। मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे रहा, जिसका जरूरत है उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, और जिसका जरूरत नहीं है उसका राशन कार्ड यहाँ पे बन जा रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीका का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूँ राज शर्मा, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।